बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले होगी, जिस हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक हुई है, जो हालात हमने देखे पिछले 4 दिन में, 4 बड़े हमले वहां पर होते हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से इस पर बातचीत की है, एनएसए और अन्य अधिकारियों से इसकी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है, आतंकवाद पर पूरी क्षमता के साथ लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों एक ऐसे घाटी में एक बार फिर से आतंकवाद सिर उठाने लगा है, बैक टू बैक हमले वहां पर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आपको याद होगा जब श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हमला हुआ और ऐसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। इसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बात अगर करें केंद्र सरकार की, तो इसको लेकर जानकारी ली है, स्थिति की समीक्षा की गई है, प्रधानमंत्री को स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में वहां पर जानकारी दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा उनसे लिया है, या किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है इसकी जानकारी भी, जम्मू कश्मीर के हाल की जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। इसके अलावा आतंक विरोधी प्रयासों से उनको अवगत कराया गया है। पीएम ने उनसे हमारी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है, सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा की। एलजी मनोज सिन्हा से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा उनसे लिया है। पीएम को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे तमाम जितने भी प्रयास उसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा पीएम मोदी ने जब लिया, तो जो भी स्थिति वहां पर है उसकी जानकारी दी गई, या कैसे वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा उसकी जानकारी भी दी गई है, क्योंकि पिछले 4 दिन में आतंकियों ने बड़े हमले किए, उसमें रियासी, कठुआ, डोडा, ये 4 स्थान हैं जहां पर ये हमले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो इस पूरे हालात पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की भी नज़र बनी हुई है। देखिए, लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से लगातार जो जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, आतंकियों की तलाश की जा रही है। और माना जा रहा है कि आतंकी समूह जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग बम्पर हुई है उससे उन्हें कड़ा झटका लगा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बौखलाए हुए हैं। और जिसका जिक्र अभी पलक भी कर रही थी कि आतंकियों से पूरी क्षमता से के साथ निपटे, इसी स्टेटमेंट और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है।